एमजीबी डिजिटल इंडिया। मनोरंजन की दुनिया में स्वागत है आप सबका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीबी डिजिटल इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आपको बता दें, नए साल के जश्न का मजा दोगुना होने वाला है, वे कैसे जानते हैं हमारी इस वीडियो में। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डबल एक्सएल स्ट्रीम हो गई है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और ह्यूमा कुरैशी लीड रोल्स की भूमिका में है। डबल एक्सएल सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद ओटीटी पर आ रही है। बात करें फिल्म की तो डबल एक्सएल दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जो प्लस साइज में है, मगर वो इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि यूएसपी बनाती हैं। कहानी दो प्लस साइज महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश की है और दूसरी महिला दिल्ली की रहने वाली है। फिल्म में जहीर इकबाल भी लीड स्टार कास्ट का हिस्सा हैं। वहीं बुधवार को नेटफ्लिक्स ने जानकारी दी कि फिल्म प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो गई है। सिनेमाघरों में फिल्म 4 नवंबर को रिलीज हुई थी। सतनाम रमानी निर्देशित फिल्म में हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम भी शामिल थे। इस फिल्म में जहीर इकबाल और महत राघवेंद्र भी लीड स्टार कास्ट का हिस्सा हैं। यह फिल्म एक पॉजिटिव फिल्म है जो एक पॉजिटिव मैसेज देती है। फिल्म सिनेमाघरों में भी रिलीज हो चुकी थी, हालांकि जो लोग इसे नहीं देख पाए थे वे इसका मजा नए साल पर घर पे बैठ कर ले सकते हैं। नए साल का आगमन इस बार वीकेंड पर हो रहा है। कड़ाके की ठंड में अगर बाहर जाकर सेलिब्रेट करने का मन ना भी हो तो घर पे आरामदायक माहौल में ओटीटी पर अच्छा वक्त गुजारा जा सकता है। बताते चले कि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म के अलावा वीकेंड पर देखने के लिए काफी कुछ है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई हिंदी फिल्म तारा वर्सेस बिलाल भी इस वीकेंड देख सकते हैं। ये फिल्म सिनेमा घर के बाद नेटफ्लिक्स पर आई है। हर्षवर्धन राणे और सोनिया राठी लीड रोल्स में हैं। समर इकबाल निर्देशित फिल्म का निर्माण जॉन अब्राहम ने किया है। इसके साथ ही आयुष्मान खुराना और रकुलप्रीत सिंह की फिल्म डॉक्टर जी नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। इस फिल्म की कहानी पुरुष और स्त्रियों का डॉक्टर बनने के पीछे गलत सोच को उजागर करने के लिए थी। आयुष्मान इस फिल्म में जो MBBS कर चुके हैं, मगर PG में ऑर्थोपेडिक्स ना मिलने पर सीट बचाने के लिए गायनोकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। परिणीति चोपड़ा और हार्दिक संधू अभिनीत स्पाई फिल्म कोडनेम तिरंगा नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। ये फिल्म इस वीकेंड देखी जा सकती है। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुडबाय भी न्यू ईयर वीकेंड की वॉच लिस्ट में शामिल की जा सकती हैं। ये सभी फिल्में इंडिया टॉप 10 की लिस्ट में शामिल भी हैं। फिलहाल आज की हमारी इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।